गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलना और मास्क लगाकर निकलना, और दिन में 3-4 बार कम से कम हाथ धोया करो साबुन से या सैनिटाइज़र से। आज आपका हिंदी ग्रामर का है लेसन 2। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, पार्ट 2 है। क्या नाम है इसका? वर्णमाला। मैं आपको समझा रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए वर्ण क्या है, पहले क्या बताया गया इसमें, वर्ण क्या है? हमारे मुख से बोले जाने पर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण के उदाहरण दिए गए हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये देखिए, क, ख, ध्यान से देखिए, ग, अ, अ, उ, स एंड ह। ये कौन है? ये वर्ण के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है, इसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला क्यों निम्न भागों में बांटा गया है? स्वर, देखिए स्वर पता है आपको, स्वर अ आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ। लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। देखिए आ अ ई ई उ ऊ ऋषि ए ए ओ ओ, दिख रहा है आपको। इनके अतिरिक्त अंग अनुस्वार और आहा विसर्ग भी होते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ आपको ताकि आपको याद आ जाए। ये देखिए अंग खाली को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये देखिए, अभी मैं पढ़ के बताऊँगी आपको। और ये देखिए, ये हो गया, इसको कहते हैं अड़ा खाली, वो कहते हैं ना आहा, तो इसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब आगे व्यंजन यानी कंसोनेंट। क, ख, ग, घ, अड़ा, च, छ, ज, झ, अड़ा, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। तो ये जो का वाली लाइन होती है इसको का वर्ग, और ये चा वाली चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, फिर अंत्यस्त और उषम, ठीक है। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, कि जैसे अ अ ओ ओ, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब व्यंजन आइए कंसोनेंट, जो वर्ण अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, त, थ, द आदि, इनकी संख्या 35 है। क्या बताया मैंने देखिए स्वर के बारे में? ये देखिए, ये हो गए स्वर। इन कौन कौन से स्वर? ये देखिए, अभी बताया था मैंने पहले अ आ, ओ, ओ, इनकी संख्या कितनी है? 11 होते हैं। कितने होते हैं ये? 11 होते हैं। अब आगे व्यंजन ये कितने होते हैं व्यंजन? ये जैसे क, ख, ठ, द आदि, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 35 है। ये 35 है, कितने हैं ये? 35 है, ठीक है। अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन सम्मिलित रूप
में भी लिखे जाते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे दो मिला के ये देखिए अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, क प्लस श प्लस, ठीक है ये हो गया। और इसका उदाहरण ये हो गया, देखिए क्षमा और रक्षा। इसी तरह से जैसे और हैं, ज प्लस अड़ा ज्ञा बन गया, त प्लस र त्र, श प्लस र श्र उदाहरण हो गए, जैसे क्षमा रक्षा उदाहरण, ज्ञा का उदाहरण ज्ञान यज्ञ, और त्र का उदाहरण मित्र पत्र, और श्र का उदाहरण श्रमिक विश्राम। ठीक है अब आगे देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक, देखिए इनको ये दिख रहा होगा आपको, ये निम्न पर ध्यान दीजिए, देखिए ये तिरंगा अंगूर पंडित पंख जिस पे अंदर बिंदी लगी हुई है, देखिए ये इन शब्दों में वर्णों के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया गया है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। इस बिंदु ये देखिए, इस बिंदु अनुस्वार को उसके पूर्व के वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। अब इन्हें देखिए ये दिख रहा है आपको, देखो अनुस्वार यानी पहले हम कहते हैं ना उसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं, उसको अनुस्वार बिंदु भी कहते हैं, जैसे बांसुरी पूंछ हंसी ऊंट। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ये देखिए अनुस्वार अनुनासिक का, देखिए ये हो गया अनुस्वार का अनुनासिक का, ये देखिए तिरंगा ये बिंदी लगी हुई है, ये क्या हो गई अनुस्वार की और अनुनासिक की, देखिए बांसुरी की। एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये जैसे दे रही पूंछ, ये चंद्र बिंदु क्या है, ये देखिए अनुस्वार है और अनुनासिक चंद्रबिंदु है, और अनुस्वार क्या है अंग वाली बिंदी को क्या कहते हैं, ये देखिए। अब आगे देखते हैं इसी मात्रा, व्यंजनों के पश्चात प्रयोग होने वाले स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है ये देखिए मात्रा का प्रयोग, व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाते समय इन्हीं चिन्हों मात्राओं को जोड़ा जाता है। स्वरों की मात्राएँ निम्न प्रकार से होती हैं, ठीक है जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसका भी आपको, ये देखिए आ ये इसकी मात्रा हो गई, ठीक है ये जैसे र प्लस आ, ये देखिए रा, तो क्या हो गया है राजा। इसी प्रकार ये सारी मात्राएं दिख रही हैं आप लोगों को, देखिए। अब व्यंजनों पर मात्रा लगाना, मात्राएं व्यंजनों पर अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती हैं। व्यंजनों के पहले लगाने वाली मात्रा ई की मात्रा व्यंजनों से पहले लगती है, ई की मात्रा कब लगती है व्यंजनों से पहले लगती है, ठीक है ये देखिए एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं इसका, यहाँ पर देखिए व्यंजनों से पहले लग रही है मात्रा, जैसे ये बिल, ये व्यंजन बना हुआ है ना बा, और बा के आगे मात्रा लगी हुई है, तो ये व्यंजनों से पहले लगाई जाती है ई की मात्रा। अब आगे देखते हैं व्यंजनों के बाद लगाने वाली मात्रा है आ, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को आ ई ओ और औ, तो ये कब लगाई जाती हैं, ये व्यंजनों के बाद, व्यंजनों के बाद लगाने वाली मात्राएं ये हैं
देखिए जैसे स व्यंजन के बाद में मात्रा लगा रहे हैं सी, ये सी टी। सारे एग्जांपल दिए नहीं जा सकते, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अभी देखिए व्यंजनों के ऊपर लगाने वाली मात्रा ए और ए की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है, ठीक है। ऊपर कौन से लगती है, जैसे ये मेज, जैसे व्यंजनों के ऊपर लग रही है ये मेज, ठीक है। अभी देखिए व्यंजनों के नीचे लगाने वाली मात्रा, ये देखिए अभी देखिए व्यंजनों के नीचे लगाने वाली मात्रा, कौन सी है, ये देखिए व्यंजनों के नीचे लगाने वाली मात्रा, ये देखिए प उ ज रि, ये देखिए ये नीचे लगा रखी है ना, ये व्यंजनों के नीचे लगा रखी है मात्रा, ये ध्यान देखिए देखिए पुजारी तराजू पृथ्वी। बच्चों आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ध्यान से आपने ध्यान दिया होगा।